हेलो स्टूडेंट्स, सम एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बज चुके हैं, सुबह का हो चुका है समय, बजने वाले है 9। तो जल्दी से सभी स्टूडेंट्स आ जाएंगे क्योंकि आज का सेशन है बहुत स्पेशल। इस सेशन के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ साइको टेस्ट के बारे में, कि होता क्या है और किसके लिए आपको ये देना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आरआरबी एएलपी के एग्जाम के बारे में, तो असिस्टेंट लोको पायलट के अंतर्गत आपको देना पड़ता है साइको टेस्ट। CBT 1 CBT 2 के बाद होता है आपका साइको टेस्ट। टेक्नीशियन की अगर बात करती हूँ, तो टेक्नीशियन के लिए साइको टेस्ट नहीं होता, ये एएलपी वाले स्टूडेंट्स को देना होता है। साइको टेस्ट के अंदर क्या क्या चीजें आती है, तो ये मेमोरी बेस्ड टेस्ट होता है एक तरीके से, आपकी मेमोरी को चेक करना कि भाई किस प्रकार से आपको चीजें याद रहती है, आप स्पीड आपकी स्पीड को चेक करना, क्योंकि जाहिर सी बात है लोको पायलट एक बहुत जिम्मेदारी भरा काम है। तो अगर आपको ये पोस्ट दी जा रही है, तो इसके लिए आपकी मेमोरी को चेक किया जाएगा, आप फटाफट से तुरंत देखते के साथ ही किस तरीके से निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, आपके डिसीजन को चेक किया जाएगा। इन सभी को चेक करने के लिए साइको टेस्ट को 5 पड़ाव में किया जाता है। अगर हम बात करते हैं इसके पूरे के पूरे मॉड्यूल के बारे में, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि भाई जैसा कि आरआरबी एलपी सीबीटी थर्ड परीक्षा अंतिम नामकरण के लिए एक अनिवार्य योग्यता चरण होता है, ये इसको एप्टीट्यूड और साइको टेस्ट भी कहा जाता है। इसमें आपको हर एक प्रत्येक सेक्शन में 42 अंक लाना पड़ेगा ताकि आप पास हो सके। तो हर एक सेक्शन में पास होना अनिवार्य होता है और 42 अंक के साथ आप पास माने जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो इसमें अभी तो कोई नामांकन कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बस आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो और उसमें गलतियां ना करो, ये चीज मेन पूरी तरीके से आपकी डिपेंड करती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो एएलपी पद के लिए अंतिम योग्यता जो सीबीटी सेकेंड होती है उसके 70% नंबर को जोड़ा जाता है फाइनल मेरिट के लिए, और जो आपकी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ये साइको टेस्ट के इंक्लूडेड, उसके 30% नंबर जोड़े जाते हैं, तब जाकर आपकी फाइनल मेरिट तैयार की जाती है। अब बहुत सारे सवाल होते हैं कि भाई साइको टेस्ट के अंदर क्या क्या चीजें आती होंगी, कैसे कैसे होता होगा। तो साइको टेस्ट 5 चरण में होता है, ये 5 टॉपिक्स इंक्लूडेड आपका टेस्ट होता है। इसमें मेमोरी टेस्ट होता है, अभी मैं आपको एक एक करके दिखा दूंगी कि किस किस तरीके के एग्जाम में आपको साइको टेस्ट के, क्योंकि सीबीटी बेस्ड हो गया ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो इसके अंतर्गत कंप्यूटर पे आपको कुछ इमेजेस दिखाई जाएंगी और उस इमेजेस को कुछ टाइम बाद हटा दिया जाएगा। फिर आपको ढूंढना होगा कि भाई ये इमेज कौन से नंबर पर दिखाई गई थी, तो आपकी मेमोरी को टेस्ट करने वाला होता है। साथ ही में फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, डायरेक्शन को देखना कि भाई पहले डायरेक्शन बताया गया, फिर आपको उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चित्र दिए जाते हैं, आपको वो चित्र किस डायरेक्शन में लगाने थे उस क्वेश्चन को करना होगा। फिर आता है डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट और परपेचुअल स्पीड टेस्ट, मतलब एक तरीके से आपकी स्पीड को आपकी मेमोरी को इन सभी को जांचने के लिए साइको टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है। अगर मैं इसको चित्र के माध्यम से समझाऊं, तो मेमोरी टेस्ट कुछ इस प्रकार से होता है, आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर पहले कुछ ऐसी इमेज दिखाई देगी, उसके बाद ये इमेज डिसअपीयर गायब हो जाएगी, फिर आएगा कि बताइए जी कौन से तरीके से कहां पर आपने इमेज को देखा, ए वाले ब्लॉक में कौन सी इमेज थी, बी में क्या थी, सी में क्या थी, डी में और ई में क्या थी, मतलब आपकी मेमोरी को स्मृति को जांचने के लिए किया गया टेस्ट। फिर हम बात करते हैं टेस्ट फॉर मेजरिंग मेमोरी, यहां पर आपको दे दी जाएगा कुछ इस प्रकार से चित्र और चित्र के सामने दे दिया नंबर कि भैया ये जो फावड़ा है 75 पे, प्रेस 42 पे, फिर ये स्क्रीन हटा दी जाएगी और फिर सामने आएगी, ये आपको ढूंढ रहा है कि भाई अभी आपने देखा था फावड़ा कौन से नंबर पे था, 75 नंबर पे था, सी ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा प्रेस कौन से नंबर पे देखी थी, 42 नंबर पर देखी थी, तो ये स्क्रीन दिखाई जाएगी मेमोरी के तौर पर, आपको एक तरीके से कहते हैं ना आंखों में बसा लेनी पड़ेगी, और फिर दूसरे स्क्रीन पर आपको इस तरीके के क्वेश्चन के साथ ऑप्शन मिल जाएंगे। तो ये आपका होता है मेजरिंग मेमोरी टेस्ट। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो टेस्ट फॉर मेजरिंग एबिलिटी फॉलो डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए किस तरीके से पूछा जाएगा कि भाई ऐसे कितने ए हैं जो बी के तुरंत ऊपर, ऐसे कितने बी हैं जो ए के तुरंत ऊपर है, तो ऐसे कितने बी है जो ए के तुरंत ऊपर है, इस तरीके से पूछे गए डायरेक्शन के आधार पर।
पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं। और ध्यान रहे आपको प्रत्येक सेक्शन में पास होना होता है 42 नंबर के साथ न्यूनतम। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मेजरिंग डेप्थ परसेप्शन की, तो यहां पर कुछ ब्रिक्स ईंट दे दिए जाएंगे और आपको यहां ईंट को देखते हुए बताना होगा कि बताइए ए ऑन इंटच टू अदर ब्रिक, कौन सी दो और ब्रिक को टच किया जाए कि ये तीन तीन और चार तीन चार बाय ईंट के क्यूबॉइड के अंदर तब्दील हो जाए। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं मेजरिंग डेप्थ के। फिर हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन का टेस्ट। भाई कॉन्सेंट्रेशन, जब आपको स्क्रीन पर नंबर्स दिखाई देंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर वन, बताइए क्या ये दोनों नंबर सेम है? अगर सेम है तो आपको लिखना पड़ेगा वाई, अगर सेम नहीं है तो लिखोगे नो, एन लिखो। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या ये वाला नंबर इस वाले नंबर के सेम है? भाई एकदम से जब स्क्रीन पे देखा जाता है ना तो चीजें पता नहीं चलती है, क्योंकि यहां पर दे रखा है 6 8 और यहां पर दे रखा है 8 6, तो ये तो सेम नहीं है। तो ये वाले क्वेश्चन होते हैं स्पीड का खेल है। अगर स्पीड अच्छी है, प्रैक्टिस आपने कर रखी है, तो आराम से ये निकाल कर ले जाओगे। फिर इसके बाद तीसरे वाली संख्या, क्या ये वाली संख्या इस वाली संख्या के सेम है? नहीं है, क्योंकि भाई यहां तो 3 दिया था, यहां 2 है। तो इस तरीके से कॉन्सेंट्रेशन के लिए जो आपका सेक्शन आता है फोर्थ, इसमें आपका टेस्ट होता है साइको के अंतर्गत ही। फिर इसका पांचवा पार्ट या पांचवा सेक्शन आता है जिसको कहते हैं मेजरिंग परसेप्शुअल स्पीड। ये आपकी स्पीड को जांचने के लिए किया जाता है। यहां पर दी गई आकृति, इनसे मिलती जुलती आकृति कौन सी होगी? पहले इन सभी आकृति को देखकर आंखों में बसाएंगे और फिर इससे मिलती जुलती आकृति आपको देखनी होगी। तो कुल मिलाकर ये क्वेश्चंस आपके आते हैं अगर हम बात करते हैं साइको टेस्ट के अंतर्गत। क्लियर है? तो यहां पर होप्स आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप नीचे ऑफलाइन कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। सेशन कैसा लगा जरूर एक बार ऑफलाइन कमेंट करके बताइए, और अगर क्लास ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड साइको टेस्ट में केवल ये दिक्कत होती है कि सामने लाइट पड़ती है तो काफी सारी चीजों में कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। तो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका है, क्लासेस आपकी चलेंगी उसको जरूर देखना, साथ में आपको ऑनलाइन भी साइको टेस्ट के क्वेश्चंस को करना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहीं पर इस सेशन को करते हैं हम लोग एंड। बाकी रेलवे की क्लासेस आपकी सुबह से शुरू हो जाती है, सुबह 8 बजे होती है आपकी अभिनंदन सर की मैथ्स की क्लास, फिर 9 बजे अभी मैं लेने जा रही हूँ रीजनिंग की क्लास, और फिर 10 बजे होती है आपकी स्टैटिक जीके वाली क्लास, और फिर 11 बजे होती है आपकी साइंस की क्लास। तो क्लासेस को पूरा अच्छे से देखिएगा। अभी आ जाइए जल्दी से 9 बजे वाली रीजनिंग की क्लास में, क्योंकि आज हम करने वाले नॉन वर्बल रीजनिंग। तो चलिए मिलते हैं फिर सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।